के चरण चम्बिक गौरी नारायण नमोस्तुते नारायण नमोस्तुते। दोनों हाथ बढ़ेंगे, समस्त शक्तियों को नमस्कार करेंगे, नमोवंदन करेंगे। ओम सिद्धि बुद्धि महिमाय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो स्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। आइए अब ओम श्री गायत्री नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि कंठाक्षतं पुष्पाणि रूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ऋतुफलान् समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ सुतामया वरदाये रमाता प्रचोदयन्तां पावमानि विजानाम् आयुप्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं रम्यं ब्रह्मसखं मह्यं दत्त्वा जगतब्रह्म लोकम्। मंत्रियों ने कहा भगवान जरा सावधान रहना, ये अपने दुश्मन के भाई है, हो सकता है भेद लेने आए हो, इसलिए आप सावधान रहिए। तो भगवान राम ने कहा भेद भी लेने आए हो तो मेरे दर्शन से उनके बुद्धि में परिवर्तन आ जाएगा और हे सुग्रीव मेरे पास वही व्यक्ति आ सकते हैं जो शुद्ध अंतःकरण का होता है, क्योंकि मैं उन्हीं को पसंद करता हूं। और सुंदर कांड में यह प्रसंग आता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि पथ चल चित्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि पथ चल चित्र न भावा। मुझे निर्मल मन
के व्यक्ति प्रसन्न है और वही मुझे पा सकता है। जाते हैं भाई बहन, सभी जाते हैं। हम देखते हैं गंगा जी में कई भाई बहन डुबकी लगाते हैं, और एक बार नहीं कई कई बार डुबकी लगाते हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे, नाक बंद करेंगे, कान बंद करेंगे, खूब डुबकी लगाएंगे, हर हर गंगे। एक भाई को मैंने पूछा, भाई तो इतनी डुबकी लगा रहे हैं? अरे हम सबके नाम से डुबकी लगा रहे हैं, ताऊ जी के नाम से, ताई जी के नाम से, दादा जी के नाम से, बाबा जी के नाम से, अरे जो भी आगा। अब मैं देखा बाहर निकल गए थे, अब कपड़ा बदलने वाले थे, तब तक फिर कपड़ा छोड़ा भागते हुए गया, फिर चार डुबकी लगाए। मैं कहा क्या हुआ भाई? बोले चार लोग और याद आ गए थे ना, उनके नाम से भी डुबकी हम खूब डुबकी लगाते हैं। क्यों? मान्यता है हमारे यहाँ। पता नहीं कहाँ से लोगों को ये भ्रम में रख दिए हैं यहाँ के। अब शास्त्रों में भी मिलावट हो गए, हमारे ग्रंथों में भी मिलावट। किसी ने ये कह दिया, ऐसा यदि हुआ होता तो भाइयों बहनों देखिए जरा, तन को धोता रहा मन को धोया नहीं। गंगा जी में जाते हैं हम लोग, डुबकी लगाते हैं, लेकिन शरीर का डुबकी लगाते हैं, मन को धो नहीं पाते हैं। तन को धोता रहा मन को धोया नहीं, तन को धोता रहा मन को धोया नहीं, ऐसे गंगा नहाने से क्या फायदा, ऐसे गंगा नहाने से क्या फायदा। मुख में है राम तेरी बगल में चुरे, मुख में है राम तेरी बगल में चुरे, ऐसे ढोंग बचाने से क्या फायदा, ऐसे ढोंग बचाने से क्या फायदा। खूब डुबकी लगाने से कोई फायदा नहीं होगा भाइयों बहनों। स्टैंडर्ड से ही क्या स्टैंडर्ड गंगा स्नान करते हैं किस लिए करते हैं? पाप धुल जाए। वास्तव में पाप हमारा अवश्य धुलेगा। जब प्रायश्चित के भाव से हम स्नान करेंगे, तीर्थों में पहले तीन काम हुआ करते थे, आजकल तो पिकनिक प्लेस बन गया है, घूमने फिरने जाते हैं। यही ले आइए, पहले मंदिरों में दर्शन के लिए जाया करते थे। देखिए क्या गजब की बात, पहले लोग जाते थे दर्शन करने के लिए, लेकिन आजकल लोग जाते हैं प्रदर्शन के लिए। गलत कह रहा हूं तो बोल दिया। लोग तीर्थ में जाते थे, तीन काम होता था। तीर्थ में पहुंचने पर पापों का प्रायश्चित होता था, पुण्य का उदय होता था, और भविष्य का निर्धारण, ये तीन काम तीर्थ में होता था। आजकल तो घूम फिर करके आ जाते हैं, दर्शन नहीं प्रदर्शन रह गया है। मेरे भाइयों बहनों, एक भाई से मैंने पूछा, भाई मंदिर आप जाते हो, पूजा पाठ कुछ कर लेते हो? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ कर लेते हैं महाराज। क्या कर लेते हो? उसने कहा, व्यस्त हम बहुत रहते हैं, फिर भी हम थोड़ा बहुत तो समय भगवान के लिए निकाल लेते हैं, माला वाला के लिए निकाल लेते हैं। मैंने पूछा, आप क्या कर लेते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि रोज मंदिर में जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, एकांत बैठ करके कुछ जाप भी कर लेता हूँ। मैं मन ही मन प्रसन्न हो रहा था, मुझे कहा देखो महाराज अभी प्रसन्न और न कोई मिठाई।
Yeah.
समस्त शक्तियों को नमस्कार करेंगे, नमन वंदन करेंगे। और सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। उमामहेश्वराभ्याम नमः। हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। सचिवपुरन्द्राभ्याम नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो देवताभ्यो नमः। ॐ वास्तुदेवताभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ॐैतत्कर्मप्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ॐ पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। आइए अब